पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा था कि जब हम डाइपोल को रोटेट कराते हैं, जब हम लोग डाइपोल को रोटेट कराते हैं तो हमने फॉर्मूला देखा था एक्सटर्नल वर्क कितना हमारा लग रहा है, उसका फॉर्मूला अभी हमने निकाला था। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पे। एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चों, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला निकाला था, क्या था, माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये एक फॉर्मूला था। थोड़ा सा बच्चों हम इसके बारे में और जानते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वर्कडन आमतौर पर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब हम वर्कडन करते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, एक काइंड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। इसको काफ़ी अच्छे से देख लो बच्चों, क्योंकि एकदम से जब मैं कोई स्टेप लिखता हूँ तो बच्चे एकदम से कहते हैं सर कैसे हुआ कैसे हुआ, बताओ सर दोबारा से बता दो। बहुत अच्छे से चीज़ों को देखो, जितना आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा यहाँ पर उतना आपको सही से पता चलेगा, क्योंकि एकदम से जैसे स्टेप होगा आपको कहे सर दोबारा समझाओ। आप इसको अच्छे से देखो एक बार, क्या हमने क्या लिखा है, क्या किया है हमने, क्यों किया है। वर्क डन जब हम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, ये हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड करना पड़ता है। बट ऑल्दो अभी हम इस केस में यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे इस चीज़ का। खैर, अब देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि जब एक डाइपोल की हम बात करें, कोई एक डाइपोल ऐसे रखा हो, जब मतलब कि कितने एंगल पे रखा हो, इसमें क्या एंगल बन रहा है बच्चों, और एंगल किसके बीच का हम पूछ रहे हैं, एंगल बिटवीन पी एंड ई, कितना एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के 90 डिग्री है। कैसे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल 90 डिग्री हुआ हमारा। तो इस सिचुएशन में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब मेरा कई बच्चों से ये क्वेश्चन है, सोच के बोलना बच्चों, हड़बड़ाहट में जवाब मत देना, जल्दीबाजी में कोई नहीं कहेगा सर ऐसे है वैसे, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है बच्चे आमतौर पर तुक्केबाजी करते हैं, और तुक्केबाजी सही नहीं लगती है मुझे, तुक्केबाजी मत करो, सोचो फिर देखो फिर बताओ कि ऐसा क्यों होता है। जब तक गहन एनालिसिस नहीं कर लेते तब तक मत बताना, तब तक जब तक डीप एनालिसिस नहीं करते तब तक मत बताना कि ऐसा क्यों होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन में जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्यों है। सबको समझने के लिए हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू क्यू वी, किसी एक चार्ज का, क्यू जिसमें चार्ज होता है और वी पोटेंशियल होता है। अब एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा सिचुएशन है, ये एक ही सीध में रखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हमने आपको बताया था बच्चों ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि एक ही ऐसे रखे हुए हैं तो यहाँ और यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ये हमने आपको बताया था। बट अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा जाए, हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी बच्चों, जैसे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमने आपको बताया था जब हमने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया था, तो हमने आपको ये बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं अलग अलग। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा अलग अलग होगा, बताओ बच्चों, ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा ये डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे सेम होगा, बट ए और डी पॉइंट पे अलग अलग होगा। ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन दोनों पे, इन दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। तो जैसे ये चार्ज है, ये दोनों एक सेम पोटेंशियल पे रखे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें हम लोग, इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज क्या है, माइनस क्यू, और यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, वी हो गया, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, प्लस क्यू वी, तो दोनों की ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। फॉर्मूले मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो दोनों की ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी मैथमेटिकली अगर देखा जाए। तो यहाँ पर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो मैंने यही तो लिखा है जीरो कैसे है, यही तो मैंने पूछा था, ये जीरो है। अब इससे हमें क्या फायदा है, एक्चुअली इससे हमें क्या फायदा है, हम ये पढ़ क्यों रहे। कई बार बच्चों में क्वेश्चन ये आ जाता है, सर अभी आप डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो। जैसे कि हमने आपको बताया बच्चों कि ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है स्पेशली, जिसमें डाइपोल कैसा रखा हो, जिसके अंदर डाइपोल स्पेशली ऐसे परपेंडिकुलरली रखा हो, ऐसे रखा हो, तो ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल क्या होता है हमारा, जीरो होता है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों बहुत होंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं, वो तो ठीक है, चलो बट अभी हमें मेन कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना है। तो ऐसे रखा हो, ऐसे इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा हमारा, जीरो होगा। मान लेते हैं कि हम डाइपोल, एक डाइपोल था
इधर देखो एक डाइपोल था, ऐसे रखा था, हमने उसको घुमाया, रोटेट कराया, हमने उसको थीटा वन से थीटा टू रोटेट कराया, तो उसमें वक्रन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जैसे हमने पूरा लिखा है, जैसे भी हमने देखा। बट अगर मान लो हमने थीटा वन से थीटा टू रोटेट कराया, थीटा टू एंगल 90 डिग्री ले ले हम लोग, मान लो जो थीटा टू एंगल है वो 90 डिग्री है, लेट अस टेक थीटा टू एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर थीटा टू एंगल यहां से यहां घुमा दिया, अगर ये एंगल 90 है तो ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट पे जब डाइपोल 90 डिग्री पे रखा होता है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो ऐसे केस में ये जो फॉर्मूला है ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी फाइनल क्या हो गया, जीरो, क्योंकि 90 डिग्री पे ले आए और 90 पे पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल जी क्या होती है, जीरो। माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा टू की जगह क्या लिखूं बताओ बच्चों, क्या लिखूं थीटा टू की जगह 90 और थीटा वन की जगह क्या लिखूं कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या लिखेंगे, माइनस ये हो जाएगा, ये कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, माइनस पी ई माइनस कॉस थीटा माइनस यू आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा, और यू आई क्या, यू आई यू क्या आ जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। तो ये एक्सप्रेशन देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया था डाइपोल की, तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, पी और वी पी और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल थीटा कहते हैं हम लोग। तो देखो बच्चे अब हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देखते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों। एक्चुअल में क्या था, लास्ट क्लास में हमने आपको कहा था कि जब कोई एक डाइपोल प्लेस्ड होता है, जब कभी कोई डाइपोल प्लेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दो कंडीशन में टॉर्क जीरो होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन बताओ बच्चों, जब थीटा जीरो डिग्री हो और 180 डिग्री हो। अब हम बात करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब हम एक डाइपोल पर टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा, अगर साइन की वैल्यू जीरो या 180 डिग्री हो तो टॉर्क जीरो होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो अगर एक डाइपोल जीरो डिग्री एंगल का केस हो या फिर 180 डिग्री का केस हो तो हम कह सकते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बट ये जो इक्विलिब्रियम होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एक बॉडी पर नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो हो, ऐसी कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो देखो बच्चों अगर एक बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है, एक बॉडी पे नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है। जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। जैसे मान लो बच्चों एक हमारे पास कंडीशन है, एक बॉडी है, अगर ऐसे कहीं रखी हुई है रेस्ट पे, एक बॉडी अगर यहाँ रेस्ट पे रखी हुई है, ये जैसे यहाँ रखी हुई है रेस्ट पे या यहाँ रखी हुई है रेस्ट पे, मान लो तीनों ही कंडीशन में बॉडी रेस्ट पे है, अगर तीनों ही कंडीशन में बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब तीनों ही कंडीशन में बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा और बॉडी क्या कहलाएगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जब एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो तो बॉडी क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम में कहलाती है। तो मान लो इस टाइम पे रेस्ट पे है, अगर कई बॉडी रेस्ट पे, इसका पक्का मतलब है कि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब वो बॉडी किस में होगी, बोलो बच्चों बोलो, मोशन में होगी। अगर नेट फोर्स होता है बॉडी पे तो बॉडी मोशन में होती है, और नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब इस पे भी नेट फोर्स जीरो है, इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है, ये तीनों कंडीशन में बॉडी किस कंडीशन में रखी हुई है, रेस्ट पे रखी हुई है, तो ये बॉडी तीनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है। बट ये तीन इक्विलिब्रियम भी सेम टाइप के नहीं होते। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होना, नेट फोर्स जीरो होना,
बॉडी रेस्ट पे हो गई, मतलब नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे है। बट इक्विलिब्रियम जब हम कहते हैं तो वो भी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल। अब इसमें क्या होता है, देखो अच्छा ये कंडीशन है, इसमें बॉडी रेस्ट पे है, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। बट अगर आप बॉडी को अपनी जगह से, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी को अपनी मीन पोजीशन से या एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा बताओ? अगर आप बॉडी को अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा इस कंडीशन में? वो बॉडी दोबारा ही अपने आप को क्या करेगी, रिस्टोर करेगी। अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखी होती है तो अपने आप को रिस्टोर करती है। अगर आप उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हो तो आप अपने आप को वहीं पे लाने की कोशिश करती है। ऐसी कंडीशन कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ऐसी कंडीशन में बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ये जो कंडीशन है इसमें हाल फिलहाल बॉडी रेस्ट पे है, बट देखो अच्छे ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इधर देखो दूसरी। बट ये वाली जो कंडीशन है इसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, क्योंकि अगर आप इसमें बॉडी को अपनी जगह से डिस्प्लेस कराओ तो ये क्या अपनी मेन पोजीशन पे कभी वापस आएगी या हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी? हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ये हाल फिलहाल तो रेस्ट पे है, बट अगर आप इसको डिस्प्लेस कराओगे तो ये अपनी मेन पोजीशन से दूर चली जाएगी हमेशा के लिए। ऐसी कंडीशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और ये कंडीशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की है, खैर इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि अभी हमें कोई यूज नहीं है इस कंडीशन का। इसमें बॉडी रेस्ट पे है और अभी इसके अंदर इसकी पोटेंशियल जी कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर रहे हम लोग, और इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है जो इन दोनों में है। बट एक्चुअली क्या है, ये दोनों ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं। रीजन बीइंग क्या है कि यही दो हम पढ़ने वाले हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां से हमने क्या सीखा बच्चों, यहां से हमने एक चीज सीखी कि अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है या नेट टॉर्क जीरो है तो बॉडी क्या कहलाती है, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्या है? इक्विलिब्रियम में। जैसे मान लो अभी भी आप जो बैठे हुए हो, आप पे नेट फोर्स जीरो है, आप कैसे कंडीशन में हो? इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो एक बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाती है। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हर बॉडी के लिए अलग अलग हो सकती है, स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो अब हम डाइपोल के डाइपोल में देखेंगे कि डाइपोल में कौन कौन सी कंडीशन में स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल होगा। तो अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये डाइपोल के बारे में बताया कि जब एंगल 0 और 180 डिग्री हो, अगर हम इसे फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करें तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है और कुछ ऐसे रखा हुआ है, इसमें थीटा 0 बनेगा और इसमें थीटा 180 डिग्री बनेगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब हमें मालूम करना है कि कौन सी स्टेबल है और कौन सी अनस्टेबल है। अब यहाँ न्यूट्रल की हम बात नहीं करें, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। कभी कभार ऐसा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ना करे या करे, इसके बारे में हम नहीं बात कर रहे। फिलहाल इसमें डाइपोल के केस में स्टेबल और अनस्टेबल दो टाइप के इक्विलिब्रियम मिलते हैं हमको। तो दो तरीके से मिल सकते हैं, एक तो मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली कैसे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो अनस्टेबल, मिनिमम है तो स्टेबल। दूसरा हम आपको दिखाएंगे कि अगर बॉडी को अपनी जगह से हिलाओ तो क्या वो वापस आएगी या उल्टा दूर चली जाएगी, ये प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो सबसे पहले थियोरेटिकली बात करते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में बच्चों डिराइव किया था, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर हमारा एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री है तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस पी ई कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बोलो? 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी ई। और अगर हम बात करें यहाँ पर एंगल 180 डिग्री के लिए, तो 180 डिग्री हम पुट करें यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 क्या होता है, माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पी। अभी बताना किस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और किस में मिनिमम है। इसमें मैक्सिमम है और इसमें मिनिमम है, तो कौन सा आपके हिसाब से मैथमेटिकली, अभी प्रैक्टिकली नहीं कह रहा मैं, अभी मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैथमेटिक्स के बेसिस पे आपको क्या लगता है, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? शाबाश बच्चे, मैथमेटिकली आप कह सकते हो सर, अभी तो मैथमेटिकली कहेंगे कि स्टेबल है और अनस्टेबल है।
अब रही बात कि इसको दिखाने की, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमने आपको दो तरीके से साबित करने की बात कही थी कि कोई इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है। एक तो हम उसको साबित करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे, दूसरा साबित करेंगे उसको डिस्प्लेस करा करके। कैसे साबित करेंगे बच्चों? डिस्प्लेस करा के। तो कहने का मतलब यह है कि बॉडी जिस कंडीशन में रखी हुई है उसको हम डिस्प्लेस करा के छेड़ के देखेंगे क्या होता है, क्या होता है। जैसे मान लो इधर देखो बच्चे, अब अगर मान लो लेट अस टेक कि अगर ये डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा होता, इधर देखो बच्चों एक बार, इधर देखो, जैसे मान लो ये रखा हुआ है, अगर ये स्टेबल में रखा होगा इसको डिस्प्लेस कराएंगे तो ये वापस वहीं आ जाएगा, और अगर स्टेबल में होगा डिस्प्लेस कराएंगे तो उल्टा घूम के पलट जाएगा पूरा, समझे। स्टेबल में रखा होगा तो ऐसे डिस्प्लेस कराएंगे तो वापस वहीं आ जाएगा, अनस्टेबल में उल्टा और पलट जाएगा। तो चेक करते हैं कौन सी कंडीशन में वापस आता है, कौन सी कंडीशन में पलट जाता है, क्यों पलटता है, क्यों वापस आता है, देखें हम चेक करके। तो खैर वैसे हमको पता चल चुका है यहाँ पर कि ये वाला जीरो का केस है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला पहला केस जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है स्टेबल है, तो स्टेबल में वापस आना चाहिए, और इसमें अनस्टेबल है तो इसमें पलट जाना चाहिए। तो चेक करते हैं कैसे होता है। तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या है, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं ना, ये कर देते हैं ऐसे। अब ये बताओ किस पे किधर किधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे किधर फोर्स लगेगा? इधर उधर नहीं, राइट लेफ्ट बोलो ना, इस पे किधर लगेगा? राइट, इस पे लगेगा लेफ्ट। तो ये हमने इसको यूं कराया, मतलब ऐसे घुमाया, डिस्प्लेस कराया ऐसे यूं, और इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये उल्टा इसको ऐसे रोटेट करा रहा है। इधर देखो बच्चों एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो आपको ये दिखेगा कि अगर हमने इसको ऐसे घुमाया है तो उस पर ऐसे टॉर्क लग रहा है कि इसको वापस अपनी जगह पर ले आए। एक्चुअली क्या है कि मेरे बताने से ज्यादा अच्छा है आप खुद गौर करो उस चीज को, आप खुद समझो, देखो क्या फोर्स लग रहा है, कैसे वो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है नहीं आ रहा है, वापस आ रहा है तो स्टेबल है। अच्छा अगर इसकी बात करें, इसमें अगर डिस्प्लेस करें तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। जैसे इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पे किधर फोर्स लगेगा? इधर लगेगा, पॉजिटिव पे इधर। तो हमने क्या किया था, हमने इसको थोड़ा सा इधर किया था, अब इस पर फोर्स इधर लगने लग गया, तो ये हमने थोड़ा सा इसको यूं घुमाया था और ये और घूम रहा है, तो इसका मतलब ये उल्टा क्या हो जाएगा, घूम के पलट ही जाएगा। तो यहां से आपको पता चलता है कि जैसे फर्स्ट केस में आप घुमाते हो थोड़ा सा, आपने यूं कराया तो ये वापस इसको लेके आ रहा है स्टेबल, इसमें आपने थोड़ा सा घुमाया ये और लेके जा रहा है, तो पूरा पलट जाएगा, ये होगा हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि हमारे पास ये कंडीशन है, इसके अंदर अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कराओगे वापस आ जाएगा, इसमें आप डिस्प्लेस कराओगे तो ये उल्टा रोटेट कर जाएगा। ये जो होगा ये रोटेट करके क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल से उल्टा, ये ऐसी कंडीशन में अलाइन हो जाएगा, फर्स्ट वाली स्टेबल में अलाइन हो जाएगा उल्टा, क्योंकि हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, अनस्टेबल से डिस्प्लेस करा के खुद स्टेबल में क्या हो जाएगा, अपने आप को ऑरियंट कर लेगा, ऐसा हो जाएगा, आप वापस घूम के ऐसा हो जाएगा जैसा ये है। अब कारण क्या है भाई, सीधी सीधी बात है बच्चों, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ अनस्टेबल होती है उसको स्टेबल होने का मौका मिले तो छोड़ते ही नहीं है कि वो स्टेबल हो जाए, कोशिश यही करती है कि वो स्टेबल हो जाए। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये पहाड़ी सी है, ये पहाड़ी है और ये वैली है, कोई चीज़ अगर पहाड़ी पर रखी हुई है गिर जाए तो कोशिश ये करेगी कि वैली में चली जाए, नीचे चली जाए, ये अनस्टेबल है और ये क्या है, स्टेबल है, तो वो कोशिश यही करेगा कि हमेशा के लिए क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो कुछ ऐसा केस कंसीडर कर सकते हैं। देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो एक पेन है, अगर मैं चाहूँ ये नीचे चला जाए तो उसके लिए मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा, या मैं इसे छोड़ दूँ ये नीचे चला जाएगा, छोड़ दे नीचे चला जाएगा, बट अगर मैं इसे उठा के लेके आना है तो उसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक ऐसी कंडीशन में क्या है कि ये एक डाइपोल रखा है, अगर ये अनस्टेबल में रखा है तो आप इसको थोड़ा सा धक्का दे दो, ये घूम के स्टेबल में आ जाएगा, ठीक है। बट अगर स्टेबल में रखा है और स्टेबल से अनस्टेबल करना चाहते हो तो उसको हमें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि अनस्टेबल से अनस्टेबल में रखा है तो वो तो चाहता ही है कि अनस्टेबल में हूँ, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ रखी है तो चाहती ही है कि नीचे आ जाऊँ, इसको थोड़ा सा पुश कर दो ही नीचे आ जाएगी। बट अगर यहाँ से यहाँ ले जाना है, मतलब कि कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ बोलो, अरे क्या, स्टेबल से अनस्टेबल, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको वर्क डन करना पड़ता है, समझे या नहीं समझे। मतलब प्रैक्टिकली कोई खास वर्क डन की, अगर अनस्टेबल से स्टेबल में हमें कोई खास वर्क डन नहीं चाहिए, उल्टा हमें वर्क डन नहीं चाहिए, हमें वर्क मिलेगा उल्टा,
वर्क कैसे मिलेगा? और आप कहोगे सर वर्क कैसे मिलेगा, क्योंकि बेसिकली जब ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। तो हमको उल्टा मदद मिलेगी, जैसे बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, इसकी इसकी एनर्जी उल्टा हमें फायदा होगा, हम इसके एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगर खैर वो बात देखो, अच्छा एक्चुअली क्या है, सिर्फ कहने का मतलब ये, अनस्टेबल से स्टेबल में आएगा तो उल्टा एनर्जी देगा, ठीक है, देगा, कोई एनर्जी दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है हमको, और उल्टा स्टेबल से अनस्टेबल में ले जाना है तो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको बताया कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन आपको करना है। करो अच्छे बच्चों, हमको क्वेश्चन करना है कि हमको डाइपोल को कहां से कहां ले जाना है, कहां से कहां ले जाना है, स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो स्टेबल में एंगल कितना होगा, थीटा वन कितना होगा, बोलो बच्चों, 180 अनस्टेबल में 180 डिग्री होता है, पुट कर देते हैं भाई इसको जल्दी से जल्दी, वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस 180 माइनस कॉस 0, सुधरोगे नहीं बच्चे, इधर माइनस पीई कॉस 180 क्या होता है, माइनस वन माइनस 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 पीई माइनस टू, टू पीई जितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से करो तो भी आप कर सकते हो। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सी होगी, इनिशियल कौन सी होगी। देखो बच्चों, ये स्टेबल में इनिशियल स्टेट है और अनस्टेबल फाइनल स्टेट है, ठीक है, तो अनस्टेबल फाइनल स्टेट है, तो ये फाइनल होगी और ये क्या होगी, इनिशियल होगी, तो माइनस करते हैं पीई माइनस माइनस पीई विच विल बी टू पीई। तो खैर कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स तो घूम घूम घाम के वहीं पे ही पहुंचेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।